नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित और ओबीसी सीटों के लिए नए सिरों से अधिसूचित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर प्रतिज्ञा देते हुए द्यौथर जनपद पंचायत की निवर्तमान जनपद अध्यक्ष गीता मांझी ने कड़ी आपत्ति जताई है। श्रीमती मांझी ने कहा कि एक तरफ सरकार पिछड़ा वर्ग को समानता का अधिकार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। श्रीमती मांझी ने कहा कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग वोट बैंक के लिए उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रक्रिया पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने देर शाम ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को कहा कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं, ओबीसी सीटों को नए सिरे से अधिसूचित किया जाए। जस्टिस एएम खानविलकर और सिटी रवि कुमार की बेंच ने पाया कि ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन सर्वोच्च अदालत के पूर्व में दिए गए विकास किशन राव गावली वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के फैसले के खिलाफ था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम किया गया तो चुनाव रद्द किया जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेसी नेत्री गीता मांझी ने क्या कहा है और क्या मांग की है। देखिए, ओबीसी का जो आरक्षण खत्म किया गया है ये बहुत ही दुखद है। जब से मैंने कल सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया और मैंने देखा, सुना, उसको समझा, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। क्योंकि आप सोचिए, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ओबीसी को मजबूत करने के लिए उन्हें आरक्षण दिया गया था, लेकिन आरक्षण ख़त्म करने से क्या वो मजबूती मिल पाएगी, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ 54% ओबीसी के लोग हैं, और ऐसे में एक पंच से लेके सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनके पूरे आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया। और इसमें मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी की रची हुई है। क्योंकि 2 साल से अभी चुनाव बढ़ाए जा रहे हैं, 7 साल से चुनाव नहीं हुए पंचायतों के, और ऐसे में पूरी जिस चीज़ की मांग की गई थी कि रोटेशन के हिसाब से चुनाव होने चाहिए, तो उसका ना करके ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर देना, मुझे तो बहुत ही इसमें लगता है कि ये साजिश है। और सरकार की ये नाकामी है कि ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करके ये कुछ हासिल नहीं किया जा सकता इसमें। और मेरी मांग यही है कि सरकार जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण ख़त्म की है, उसे पुनः से लागू करवाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर से इसकी लड़ाई लड़े। देखिए, संविधान के हिसाब से जो रोटेशन बनाया गया है कि रोटेशन के हिसाब से ही चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि सब में सबको उसमें मौके मिलते हैं, जो जिस वर्ग के लिए आरक्षित था उसी हिसाब से चुनाव होने चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। मैं रोटेशन के हिसाब से चुनाव चाहती हूँ कि उसी तरह हो। अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करके इसमें इनकी मंशा और इनके बोलने से करने से दोनों प्रतिक्रियाएँ दोनों साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से ओबीसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो क्या लगता है कि ये सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं? ऐसे में तो हमें नहीं लगता कि ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करके किसी का विकास के बारे में, किसी के लिए भलाई के बारे में सोच सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति है। और मेरे ख्याल से तो ये चुनाव चाहते ही नहीं कि चुनाव हो, क्योंकि आप देखिए इस तरह से उलझा के रख दिया गया है चुनाव को। क्या लगता है, अभी 7 सालों में चुनाव इन्होंने नहीं करवाया, इन्होंने सिर्फ सरकार बनाने बिगाड़ने की सिर्फ क्रिया किए, अपने उपचुनाव इन्होंने विधानसभा के करवाए, लेकिन क्यों पंचायत के चुनाव क्यों नहीं करवाए इन्होंने, इतने 2 साल और बढ़ा दिए और उसके बाद भी इस तरह से खिचड़ी बना के रख दिया है पंचायत के चुनाव को। अभी भी कभी जिला पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण करना था, उन्होंने अभी 14 को दिया, फिर 18 को दिया डेट, अब फिर भी अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने उसको कह दिया कि अगली डेट तक के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को अभी मना कर दिया। तो इसमें लगता ही नहीं कि चुनाव होगा भी कि नहीं, ये लोगों का ये लोकतंत्र प्रजातंत्र ये ख़त्म करने की पूरी साजिश है, लगता है इनकी मंशा मेरे यही समझ में नहीं आता। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।
खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।